नहीं चलेगी। छात्र एकता जिंदाबाद। नीट व जेई की परीक्षा तिथि वापस लिए जाने की मांग को लेकर आज जिला मुख्यालय पर छात्रों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। छात्रों का कहना है कि कोरोना महामारी में सरकार को पहले वैक्सीन बनाने के विषय में सोचना चाहिए, न कि परीक्षाएं संचालित करने के संबंध में। परीक्षा के दौरान संक्रमित व्यक्तियों से कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा रहेगा, ऐसे में लाखों अभ्यर्थियों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। मेरा नाम संदीप कुमार यादव है, मैं छात्र संघ अध्यक्ष महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय वाराणसी। देखिए, जो जेई और नीट की जो परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है स्थानाशाही सरकार के द्वारा, हम लोग उसके विरोध में हम आज अनिश्चितकालीन अनशन पे बैठे हुए। हमारी मांग है कि तिथि को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आप देखे होंगे कल लखनऊ में जब सपा के कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने जा रहे थे कि इस समय कोरोना काल में ऐसी स्थिति सामान्य स्थितियाँ नहीं हैं, आप तिथि को आगे बढ़ा दीजिए, तो उस समय कार्यकर्ताओं के ऊपर बर्बरता तरीके से लाठी चार्ज किया जाता है। ये सरकार इतनी तानाशाह हो गई है कि इसको किसी छात्र के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। इसी के विरोध में हम लोग की मांग है कि सरकार जेई और नीट की जो परीक्षा की तिथि घोषित की है उसको आगे बढ़ाए। परीक्षाओं की तिथि अगर बढ़ाई जाती है तो छात्रों को एक वर्ष का नुकसान होगा, लेकिन जिंदगी बचाई जा सकती है। ऐसे में प्रदेश की आवाम तय करे कि एक वर्ष का नुकसान मंजूरी है या किसी की जिंदगी। मेरा नाम शंभू बेनवंशी, पूर्व अध्यक्ष छात्र संघ हरिचंद महाविद्यालय। आज किस तरीके का आप लोग अनशन पे बैठे हैं? आज हम लोग जो प्रदेश में नीट और जीट का परीक्षा हो रहा है उसके विरोध में बैठे हैं, क्योंकि कोरोना काल एक महाकाल चल रहा है। इसमें राज्य सरकार द्वारा परीक्षा कराया जा रहा है, जिसमें गली मोहल्लों से कई जिलों से लोग आएंगे, परीक्षा देंगे और कौन संक्रमित है कौन संक्रमित नहीं है, लोग एक दूसरे से मिलेंगे, तो इससे कोरोना संख्या बढ़ने के ज़्यादा उम्मीद है। और हमारी सरकार अभी तक कोरोना को रोकने में नाकाम रही है, जिससे हम लोग सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि जल्द से जल्द इस परीक्षा की डेट को आगे बढ़ाने का कार्य करें और पहले संक्रमण को रोकने का कार्य करें। परीक्षा तो कभी भी दिया जा सकता है। सर, हम राहुल सोनकर, छात्र नेता महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। आज आप लोगों ने किस तरीके धरना बैठे हैं? जिस तरीके से कोरोना महामारी को देखते हुए ये तानाशाही सरकार एग्जाम कराने, जीनेट का एग्जाम कराने का फैसला लिया है, तो उनको बता देना चाहते हैं कि ये कोरोना महामारी जो इतने तेज़ी से फैल रही है और इसमें तानाशाही सरकार जो एग्ज़ाम कराने का फैसला लिया है, जो दूर दूर से बच्चे आएंगे, उसमें से किसी एक बच्चा संक्रमित हुआ, घर जाएंगे, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सारे लोग हैं, उसमें संक्रमित का बीमारी का मामला और फैल सकता है। जो भी इसके पहले BFO का एग्ज़ाम कराया, BEd का एग्ज़ाम कराया, सरकार शनिवार रविवार एग्ज़ाम करा रही है, जो दूर दूर से लोग आएंगे, ना कोई साधन का व्यवस्था है, ना कुछ व्यवस्था है, दुकानें बंद रह रही, ना पानी खाने की व्यवस्था है, ये सरकार बच्चों छात्रों को कोई व्यवस्था नहीं कर रही है और लगातार एग्ज़ाम करा के संक्रमित कोरोना बीमारी को फैला रही है। तो इसलिए हम लोग ने इस डेट को एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ाने का, जब पूरी तरीके से कोरोना बीमारी ठीक हो जाए तब एग्ज़ाम कराएं।